नमस्कार फ्रेंड्स, टेम्पल टाउन जयपुर के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की यात्रा हम जयपुर के मध्य में स्थित तालकटोरा झील से शुरू कर रहे हैं। ये झील एलिगेटर झील के नाम से जानी जाती है और सिटी पैलेस में स्थित बादल महल से बिल्कुल सटके है। ये झील उतनी ही पुरानी है जितना कि ये जयपुर शहर, इसलिए आज सोचा कि यात्रा भी यहाँ से ही शुरू की जाए। तो बिना देरी किए आइए आगे बढ़ते हैं। सुबह के 6:30 बजे हैं और हम हैं परकोटे वाले गणेश जी के मंदिर के सामने। ये मंदिर 300 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि जयपुर की स्थापना के समय ही इस मंदिर को भी स्थापित किया गया और मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं प्रकट हुई। अब हम आ गए हैं चांदपोल बाजार स्थित चांदपोल हनुमान जी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। क्योंकि अभी द्वारपट खुले नहीं है तो सोचा एक कप चाय पी ली जाए। इस मंदिर का निर्माण 1727 में राजा मानसिंह ने करवाया था और इस मंदिर को बनने में तकरीबन 8 वर्ष का समय लगा। हजारों लोग हर दिशा से हर साल यहाँ दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। भक्त के दर्शन करने के बाद आइए भगवान के दर्शन करते हैं। हम आए हैं श्री रामचंद्र जी के मंदिर में, जो कि चांदपोल बाजार में ही स्थित है। यह मंदिर 130 वर्ष पुराना है और इसके बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे पता लगा कि इस मंदिर को बनने में 18 साल 9 महीने 24 दिन का समय लगा। बहुत सारे कारण रहे होंगे पर अंततः एक भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ। आप भी जब जयपुर आए तो यहां जरूर आइए। अब हम आ गए हैं श्री सीताराम मंदिर में। श्री सीताराम मंदिर की स्थापना, या मैं ये कहूं कि इसे बनवाया गया था 1784 में। इस मंदिर में मूर्तियों को इस तरह से रखा गया है कि सुबह सूरज की किरणें सीधी श्री राम के चरणों में पड़ती हैं। यह मंदिर छोटी चौपड़ पर स्थित है, अवश्य आइएगा। इस समय जिस मंदिर के सामने हम खड़े हैं वह रोजगारेश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर 286 साल पुराना है और इसमें भक्तों की अटूट आस्था है। कहते हैं कि किसी भी इंटरव्यू में जाने से पहले भक्त यहाँ भगवान का आशीर्वाद अवश्य लेते हैं। हवा महल से तो आप भलीभांति परिचित होंगे ही। जयपुर के चांदी की टकसाल में स्थित काले हनुमान जी का मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है।
यहाँ भारत के अलग अलग कोने से लोग दर्शन प्राप्त करने के लिए आते हैं। मंगलवार और शनिवार को तो यहाँ भक्तों का तांता सा लगा रहता है। मैं जब भी जयपुर आता हूँ तो हनुमान जी के दर्शन करने अवश्य आता हूँ। जयपुर में ही स्थित है एक और काले हनुमान जी का मंदिर। ये मंदिर जलमहल रोड पे स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी की प्रतिमा पूर्ण रूप से काली है और विशालकाय है। आप दर्शन करेंगे तो आपको आनंद की प्राप्ति अवश्य होगी। आप मंदिर प्रांगण को देख रहे हैं। मंदिर के पास ही एक पुरानी बावड़ी है जिसे हम स्टेफेल भी कहते हैं। यह है प्रसिद्ध सांगनेरी गेट और यह है जौहरी बाजार। और अब आप दर्शन कर रहे हैं पूर्व मुखी हनुमान जी का। और अब आप दर्शन करेंगे पश्चिम मुखी हनुमान जी का। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताइएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।